खुशो बोल लो ना हाँ? खुशो बोल लो हाँ कहा मैं आई हूँ नाम प्यार अकेला ही है हाँ है तो नहीं कोई नहीं मैं कह रहा हूँ मन के क्या कह रहा था तो गुंडे सा हाँ सही कह रहा हूँ मतलब ठीक कराया यार ये काम ये है ठीक कराया काम ये कौन सा जो बताया मेरा गुंडी ने ठीक कराया काम ये भैया तो पागल हो गया है वो हमारे पास था जरूर लेकिन वो हमारे पास से भग गया था। अच्छा हाँ हमारे हत्ते नहीं लगा वो भग गया था। मैं और भाई तो कुछ लेने गए थे सामान। अबे यार एक बात है देखो कहने की अगर देवार हेलो सुनो मेरी है क्या तो किसके बाद आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ भाई उसमें ये इसके अंदर है इसके अंदर हाँ हेलो मुझे हेलो मेरे तुम्हारे ये हेलो 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 हाँ हेलो हाँ भाई मैं यूँ कह रहा हूँ कि यार देखो उसके साथ अगर ऐसा हुआ होगा ना जैसा बता रहे कि बंदा कर दिया तो उसका तो भाई ये गलत है ये गलत करा मेरी नजर में तो साले को मार ले तोड़ लेते यार उसे क्या बंद करवा देते। अब वो भाग गया था भाई हमने मारा था उसे लेकिन इस बात का भी जिक्र ना हुआ मारने का उसे हमने मारा था लेकिन वो वहां से भाग गया था। अच्छा हाँ सब और ढूंढा सबने लेकिन वो मिला नहीं फिर समझ रहा नहीं। हाँ मैं उसे ही तो कहते हैं उसे रात बहुत मारा यार वो पता नहीं कहाँ भाग गया। अब मैंने क्या किसी से भी ये जिक्र ना हो कि वो हमारे साथ गया था बस ये बात हुई थी। अबे यार मैं तो बस ये चाहता हूँ तो वो अपना घर पहुँच जाए यार वो अपने बस वो तो मैं तो चाहता हूँ भाई सही सलाम बस कैसे भी यार बहन के दो कोई दिक्कत नहीं यार किसी को भी यार पर मेरे तो देखो शौक लग गया जैसे मुझे पता चला ना वैसे मेरे सुनते ही ना, अब तुम मेरा भाई है सुन हाँ अकेला है तो बिल्कुल अकेला हूँ मैं खा मेरी कसम खा तुम्हारी मेरी कसम कसम अकेला हूँ अब नहीं आएगा वो कभी भी अपने घर हाँ अब नहीं आएगा वो अपने घर कभी भी क्यों बस कुछ ऐसा काम हो गया अब नहीं आएगा वो अपने घर कभी निमटा दिया उसे हैं निमटा दिया क्या उसे। हाँ अबे यार भाई वो बंदा ऐसा था कि जिसकी थाली में बैठ के खाया ना उसने वही छेद करा है। उसने एक नहीं दो नहीं कम से कम भी 5-7 बार छोड़ दे चुका था रूप समझ रहा है नहीं। हाँ। और तुझे पता है वहां का हिसाब कैसा उसे इतना मारा था मैं तो बाहर बैठा था और फानू भाई हाँ। अंदर गुल्लू दादा वगैरह ना सब ना। अच्छा हाँ तो वही दम तोड़ गया था। हाँ जब मैं अंदर गया हूँ मैंने इन्हें हटाया मैंने देखा उसको तो उसकी सांस नहीं चल रही। ओ तेरी अब सुनता रही हो हाँ। फिर मैं उसे लेके गया कार में डाल के भाई में फिर हाँ। उसमें भाई 3 गोली मैंने मारी 2 भाई ने मारी खेल खत्म अपना। और ऐसी जगह पहुंचाई है जल्दी से बॉडी भी नहीं मिलेगी समझ रहा है नहीं। इसलिए कुछ से कह रहा हूँ मैं इस बात को यहीं दफन कर दे वरना इसमें पता नहीं गुंडी जाए मैं जाऊं भाई जाए पता नहीं को बहुत लंबी चैन बंधेगी क्योंकि उसको समझ रहा है नहीं। इसलिए मैं तो इस बात को यहीं खत्म करती हूँ बिल्कुल बाबू इस बात को सोच ले कुछ हुआ ही नहीं है हमारे साथ। अबे यार तुमने यार बता यार क्या काम कर दिया यार यार भाई जब तुझे पता दे मेरे तो आंसू निकाल आदमी दे यार क्यों करते है यार ऐसा काम यार यार उसके भी यार बीवी बच्चे हैं यार उसका बच्चा होने वाला है यार कम से कम ये तो देख लेते यार उसका बच्चा होने वाला है यार। अरे वो तो होने वाला है लेकिन एक बात तो बता कोई कह के मर गया कि बहन थाली में खा रहे हो उसी में छेद करो। अबे यार मैं तो घूमता भी नहीं तुम लोगों के साथ इसलिए तो नहीं घूमता मेरा भाई क्योंकि लाइन ही गलत है
और मैं उसे तुझे इसलिए तो भैया मैं 110 बार का भैया ऐसा काम ना कर। मैं फानू अपनी बहू को मुंह दिखाई में मोबाइल दिया था फानू ने अपनी बहू को। अब बताइयो मैं किसी के साथ रहता हूँ मैं ना तुम्हारे साथ ना उसके साथ किसी के साथ तो नहीं रहता मैं। नहीं तो किसी के साथ रहा भी मत कर तू अपना काम धंधे पे ध्यान दे और इस बात को ना बिल्कुल दिमाग से निकाल दियो कि हमारी कुछ बात हुई थी। देख तेरे से मैं कभी कोई चोरी नहीं रखता मुन्ना तू अपना जिगरी है तेरे आगे हर बात खोल देता हूँ मैं समझ रहा इसलिए मैंने तुझे खुल के ही बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात थी फिर आखिर में उसमें हमें करना ही पड़ा काम को समझ रहा है नहीं इसलिए इस बात को बिल्कुल खत्म कर दियो बिल्कुल। ये बात अगर समझ ले हल्की सी भी हवा की तरह निकल गई ना तो समझ ले हम गए 5-7 साल के लिए नहीं तो यार तुम लोगों ने क्या काम कर दिया मेरे भाई। अरे ये नहीं है अभी रुक जा तू 2 दिन रुक जा 2 दिन में एक बंदे को हम खुलेआम मारेंगे एक कासिम यार में खुलेआम बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्या हमने मारा है खुल्ला यार बस मेरा भी दुख रहा है यार तेरी कसम दिल तो मेरा भी दुख रहा है लेकिन क्या करें बस घर पे है तू कहाँ है। मैं घर पे हूँ। हाँ तो भाई देख अगर मेरा भाई होगा तो इस बात को बिल्कुल यही पी जाएगा किसी के आगे बिल्कुल भी बोड़क कद्दू हो टकलाओ किसी के आगे बिल्कुल इस बात का जिक्र आना नहीं चाहिए बड़े भाई समझ रहा है नहीं क्योंकि अगर ये कहानी हल्की से भी लीकेज हो गई ना तो पता नहीं कितनी लंबी चैन बंद के जाएगी माँ की कसम क्योंकि उसमें कम से कम भी 10-15 लड़कों की कहानी थी पता नहीं कौन कौन जाएगा। ठीक है भाई बाकी टेंशन मत लियो तो किसी बात की भाई को टेंशन लूंगा यार जब मेरा कुछ मतलब एक बता जब मेरा कोई मतलब नहीं है तो मैं काय को टेंशन लूंगा। नहीं तू टेंशन नहीं लेगा मैं तुझे अपना भाई करके कह रहा हूँ इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दियो बाबू है ठीक है। थाना टोनिका सिटी के अंतर्गत चमन बिहार के रहने वाले एक अरशद नामक युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी थाना हाजिया पर। उसी दौरान यह पता चला कि एक डेड बॉडी बागपत क्षेत्र में मिली हुई है पेड़ पे लटकी हुई अवस्था में। उस आधार पर उनके परिवारी जनों के द्वारा मौके पर पहुंच करके और उस डेड बॉडी की शिनाख्त अरशद के रूप में की गई। परिवारी जनों ने बताया कि उसको एक दिन पहले 4 युवकों के द्वारा जो उसके दोस्त बताए जा रहे हैं ले जाया गया था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला था। इस आधार पर थाना टोनका सिटी के अंतर्गत मुकदमा 827/21 अंडर सेक्शन 302-201-34 IPC में दर्ज किया गया और एक टीम बना करके अपराधियों की जो अभियुक्त हैं अभियुक्तों की ट्रेस की कार्रवाई की गई। आज उसी क्रम में खड़खड़ी रेलवे स्टेशन के पास में उनमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि जो फानू नाम का व्यक्ति है फानू नाम के व्यक्ति से अरशद ने कुछ रुपए उधार लिए थे तथा उससे मोबाइल भी उसने ले रखा था जो वीवो कंपनी का था। उसे मांगने पर अरशद देने में आनाकानी कर रहा था और धमकी दे रहा था जिससे ये लोग अरशद के कमरे पर पहुंचे और उसके कमरे पर ही उसके साथ मारपीट आदि किए और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इसको छुपाने के लिए काठा के जंगलों में ले जा करके बागपत उसे पेड़ पर लटका दिया था ऐसा प्रकाश में आया है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी पूर्व में भी यह इसमें आदि में जेल जा चुके हैं और भी गहराई से तथ्यों की छानबीन की जाएगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। टाइम 24 न्यूज के लिए गाजियाबाद से नदीम शाइन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।